हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट योगेश कुमार। आई वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज बांसुर पेट क्लिनिक। आज का हमारा टॉपिक ये है कि डिजिटोन या डिजिटोन प्लस किस में काम आती है, इसको क्यों दिया जाता है और इसकी क्या क्वांटिटी में अपने डॉग को या अपनी किड्स या कैट को किस ml में अपने डॉग को पिलाएं। पहले हम ये बात करते हैं कि डिजिटोन प्लस या डिजिटोन छोटे पप्पी में या छोटे में काम आती है और डिजिटोन प्लस बड़े डॉग में या एडल्ट डॉग में या एडल्ट कैट में काम आती है। और अब हम ये देखते हैं कि ये किस किस चीज में काम आती है। ये मेनली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट में दर्द, पेट फूलना या इंटेस्टाइन में सूजन आना, इनमें सबसे ज्यादा काम आती है। और अब इनके सिम्टम देखेंगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के सिम्टम क्या क्या हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के सिम्टम एक तो ये है कि डॉग खाते के साथ में एक घंटे या थोड़ी देर बाद में ही उल्टी कर देता है, या वो थोड़ी देर बाद में, या कई बार ये भी होता है कि डॉग खाना नहीं खाता। खाना खाने का मतलब ये है कि कम खाता है और वो उसके डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट जैसे एक दिन पोटी गया, या खाना तो खा रहा है, खाना खाते खाते और वो दो, जैसे शाम हो गई, सुबह हो गई, दूसरी शाम हो गई, वो पोटी अभी तक भी नहीं गया। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब एकदम से ही कुकू की आवाज करने लग जाता है। जैसे हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे, पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। आपने वीडियो देखी होगी कि ये पप्पी जो हमारे पास में एक पप्पी आया हुआ है, उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो खाना तो खा रहा है, बाकी ऐसे कुकू की आवाज कर रहा है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। ये मेनली गर्मी में प्रॉब्लम ये, इन्होंने जो फटा हुआ दूध वो पिला दिया, उसकी वजह से इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन रही है। आप कभी भी अपने पप्पी को या किड्स को, छोटे पप्पी को दूध ना पिलाएं। फूड चेंज में भी ये काम आती है। फूड चेंज में मतलब ऐसे कि आप कभी भी एक अपना डॉग का फूड एकदम से चेंज ना करें, आप अपने डॉग का धीरे धीरे फूड चेंज करें। मतलब पहले जो आप खिला रहे हो और या जो आप खिलाओगे उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जो पहले खिला रहे थे उसमें डालते 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 एक हफ्ते में आप अपना डॉग का फीड चेंज करें। उसमें आप अपने डॉग को या पपी को ये गैस्ट्रिक या डिजिटोन प्लस या डिजिटोन सिरप दें। और अब हम बात करते हैं कि डिजिटोन छोटे पप्पी में कितनी ml दें और बड़े डॉग में कितनी ml दें। पहले हम डिजिटोन की बात करते हैं। डिजिटोन छोटे पप्पी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छोटे पप्पी में आती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, विशेष करके जैसे पोमेरियन या कैट, जो कैट के बच्चे हैं उनमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कि पोमेरियन में एक तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम कि वो दूध पिला देते हैं सबसे ज्यादा, तो उसमें पेट फूलने लग जाता है और सांस ना लेने की वजह से कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो केयरफुली आप अपने डॉग को दूध पिलाते हो तो
कम दूध ज्यादा पानी करके आप अपने पेट्स को दूध पिलाएं, या आप अपने पेट्स को दूध अवॉइड भी कर सकते हो। और हम क्वांटिटी में ये डिजिटोन प्लस ये देखते हैं कि किस क्वांटिटी में छोटे पप्पी को या कैट को दें। पहले हम पप्पी की बात कर लेते हैं। पप्पी में यदि आपका पप्पी 2 महीने से कम या 40 से 45 दिन का है तो आप उसको 1 ml पिला सकते हो। और अब हम बात करते हैं बिल्ली या किड्स के जो बच्चे हैं उसकी, तो उसमें आप अपने किड्स को 5 से 8 ड्रॉप यानी बूंद अपने किड्स को आप पिला सकते हो। और आपका एक ये भी क्वेश्चन होगा कि खाना खाने से पहले दें या खाना खाने के बाद में, तो आप अपने खाना खाने के बाद में दें। और अब ये हम बात करते हैं डिजिटोन प्लस। डिजिटोन प्लस एडल्ट डॉग में या कैट में, बड़े कैट में काम आता है। इसमें यह होता है कि पोटी या स्टूल में प्रॉब्लम आती है, वो करने में ज्यादा टाइम लगाता है, तो आप अपने डॉग को डिजिटोन प्लस पिलाएं। यदि आप अपने डॉग का फीड चेंज करें हो तो आप ये आप अपने डॉग को पिला सकते हो। आप गर्मी के मौसम में यदि आपका छोटा पप्पी है या डॉग है तो आप ये जरूर आप पिलाएं। इससे एक तो डॉग का डाइजेशन सही रहेगा और बीमार होने के कम चांसेस होंगे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमारे से वहां पर भी पूछ सकते हो, और आप हमारे को कमेंट्स में भी बता सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट जाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डॉग रिलेटेड, कैट रिलेटेड और बर्थ रिलेटेड आपसे जानकारी शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।